Hello students, how are you? I hope you all are fine. And welcome to Navnidhi International School online video platform. So dear students, in grammar section, in previous part, we discussed about part of the speech. In further video, we will discuss about other structure in other section. But here, we will study about writing skill of notice writing. Notice writing, how to write notice, कैसे हमें नोटिस लिखना, इस पीरियड में इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस. सो स्टूडेंट्स, व्हेन विल वी राइट नोटिस? इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर सपोज्ड to invite the members of this organization, inform something to the members of that organization, you have to write notice in the notice board. Okay, so students, अब हमें पढ़ेंगे कि कैसे नोटिस लिखना है. नोटिस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो तो उसके लिए अगर यदि आपको बोला जाता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को अगर देना है या फिर पब्लिक को देना है तो आपको नोटिस बोर्ड में लिखनी पड़ती है. तो हम पढ़ेंगे एट फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, जो कि आपको 10th बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आपकी 5th स्टैंडर्ड से लेकर ये नोटिस राइटिंग चालू होता है. सो कॉमन पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे नोटिस और राइटिंग. एट फर्स्ट द क्वेश्चन इज हियर, रीड द क्वेश्चन. योर म्यूजिक क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन. आपके स्कूल में एक म्यूजिक क्लब है, जो कि आपका ये म्यूजिक क्लब एक सिंगिंग कंपटीशन करने जा रहा है. राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स inviting names of the students who want to participate in it. और आपको एक notice writing करनी है जो students को invite करना, और invite किस लिए करना है ना, वो singing competition में participate करें. आपको ध्यान रखना है तो notice writing is about in about 50 words. 50 words में ही होनी चाहिए. 50 words से आपको ज़्यादा नहीं करना है. point point जो होती है वो आपको लिखना है. ठीक है, तो हम कैसे नोटिस राइटिंग लिखते हैं? नोटिस राइटिंग शुड बी इन बॉक्स. आपको ध्यान रखना है कि जो नोटिस राइटिंग होती है वो बॉक्स के अंदर आनी चाहिए. ठीक है, शुड बी इन ए बॉक्स. ठीक है, दिस इज अ बॉक्स. आपको बॉक्स थोड़ा सा ठीक से करना है. रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एट फर्स्ट आपका द नेम ऑफ स्कूल, द नेम ऑफ स्कूल आपको लिखना है. नोबल पब्लिक स्कूल, यहाँ पे स्पेस मैंने देकर आपका प्लेस का नाम यानी कहाँ पे है वो भी लिख देना है. नोबल पब्लिक स्कूल सूरत, आपको यहाँ पे लिख देना है, कोमा देकर सूरत लिख देना है. ठीक है, यू हैव टू राइट एट फर्स्ट नोबल पब्लिक स्कूल. हमारा स्कूल नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल है, तो यू कैन राइट हियर नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल सूरत. नेक्स्ट, वन लाइन लीव कर देनी है. यू हैव टू लीव वन लाइन. एक लाइन आपको बीच में छोड़नी है. आपका जो नोटबुक है, नोटबुक में एक लाइन आपको छोड़नी है. यू हैव टू लीव अ लाइन हियर. देन यू राइट, यू विल राइट नोटिस, एन ओ टी आई सी ई, जो आपको है नोटिस है, क्योंकि हमने नोटिस
राइटिंग लिखनी है, इसलिए नोटिस कैपिटल में आनी चाहिए। जो स्कूल नेम भी आपको कैपिटल में आनी चाहिए, नोटिस राइटिंग भी कैपिटल में आनी चाहिए। देन फिर से आपको बीच में एक वन लाइन गैप छोड़नी है, वन लाइन लीव, ओके लीव वन लाइन। देन आपको लिखनी है डेट। जिस दिन आप नोटिस राइटिंग लिखोगे, लेफ्ट साइड में जो बॉक्स यहाँ पे बनाया है ना, बॉक्स को ऐसे हटाकर आपको लिखनी है डेट 2nd July 2021। वो आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन किया होगा तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू गिव द डेट। नहीं दिया है तो आपके हिसाब से नोटिस जो डेट है वो आपको लिख देना है। नेट आपको क्या करना है, आप इंटर सिंगिंग, इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, ये आपका हेडिंग होगा जो जिस के ऊपर आप लिखोगे उसको आपको हेडिंग में हाइलाइटिंग करके लिखना है। क्योंकि हम इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन कर रहे हैं तो इसलिए हमने इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, क्योंकि वन लाइन यहाँ पे गैप छोड़नी है फिर से, और वन लाइन छोड़कर आप यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार आप किस लिए लिखना है, इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है और आप स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हो, तो आपके भाषा के हिसाब से आपको लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है दैट द म्यूजिक क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन। हमारा जो म्यूजिक क्लब है वो ऑर्गेनाइजिंग करने जा रहा है एन इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे कंपटीशन किसके लिए और कब और कहाँ पर, ये होना जरूरी है, ठीक है। तो किसके लिए, क्लास 6 to class 8 है ना, फॉर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 6 to स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6 to standard 10, ठीक है, क्लास 6 to 10 ऑन संडे। कब होगा, संडे का दिन होगा 10th July। अब संडे का दिन 10th July, अब ये मत देखना है कि संडे का 10th July में संडे आता है कि नहीं, मैं डाल दिया, समझे कि नहीं। सो संडे 10th July में, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हो गया यहाँ पे संडे 10th July, ये फिनिश, फुल स्टॉप डाल देना है। ऑल द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको पैराग्राफ में लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, जो भी स्टूडेंट्स है, ऑल द स्टूडेंट्स मैंने जो हु आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग मे सबमिट देयर नेम्स, वो अपना नाम है ना सबमिट कर सकता है थ्रू देयर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर के जरिया से वो अपना नाम को सबमिट कर सकता है बाय 5th July, इंडिकेटिंग कैटेगरी इन विच दे वांट टू पार्टिसिपेट, ओके। और कब तक आपको करना है, 5th July, 5th July तक आपको अपना नाम को देना है थ्रू देयर क्लास टीचर, ओके। इंडिकेटिंग द कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आपको पार्ट कर रहे हो, ओके। थीम सॉन्ग, जो सॉन्ग के नाम है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल सॉन्ग हो या पेट्रियोट सॉन्ग हो, ठीक है, या फिर जो सॉन्ग होती है वो कौन से कैटेगरी में आप पार्ट करना चाहते हो, इंडिकेटिंग करना है इन विच दे वांट टू पार्टिसिपेट, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो आपको क्लास टीचर के थ्रू अपना नाम सबमिट करना है। एंड ये नोटिस जिसने लिखा है इसका नाम आपको लिखना है यहाँ पर एंड में, वन लाइन छोड़ के लिखना है, यहाँ पे आपका स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इससे लिख दिया, तो यहाँ पे वन लाइन लीव कर देना है, और यहाँ पे आपका नेम, ठीक है, क्वेश्चन में अगर नेम दिया होगा तो लिख देना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको XYZ लिख सकते हैं, यू कैन राइट XYZ। देन सेक्रेटरी म्यूजिक क्लब, सेक्रेटरी
म्यूजिक क्लब, क्लब करके यहाँ पे ब्रैकेट में दे देना है, इसमें ब्रैकेट को कवर कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू वुड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट नोटिस राइटिंग एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम, ओके, इन अनदर टॉपिक, ऑन अनदर टॉपिक, अलग अलग टॉपिक में, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक में आप नोटिस राइटिंग घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टडी अबाउट अनदर टॉपिक, ठीक है। टिल देन रीड इट, रीड दिस नोटिस राइटिंग एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एट योर होम।